नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। काफ़ी लोगों को ये दर्द हो रहा था कि एनसीबी लगातार पूछताछ के लिए सिर्फ हीरोइंस को बुला रही है, सिर्फ एक्ट्रेसेस को बुला रही है। क्या सिर्फ एक्ट्रेसेस ही हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स लेती हैं? क्या बड़े बड़े एक्टर्स इसमें शामिल नहीं हैं? लोगों को बहुत पेट दर्द हो रहा था कि क्यों एक्टर्स का नाम नहीं आ रहा है। देखो, विच हंट हो रही है, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, इसमें भी वो पैट्रियार्की लेकर आ गए थे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तीन ए लिस्टर्स, तीन बड़े सुपरस्टार जिनको एनसीबी समन भेजने वाली है। कौन है ये तीन सुपरस्टार, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि ये जो बॉलीवुड की दुनिया है ये कितनी दोगली है, किस तरह के दो चेहरे हैं इन लोगों के किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेके या सामाजिक समस्या को लेके। हाथरस में जो घटना हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और घृणित है। लेकिन इसको लेकर बॉलीवुड का रुख क्या है और जो उनकी खुद के बॉलीवुड में घटनाएं पिछले तीन महीने से घट रही हैं उनको लेके उनका रुख क्या है, इस पर भी इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उन तीन बड़े नामों की जो इस वक्त लोगों के लिए सस्पेंस बने हुए हैं। एनसीबी जो ड्रग एंगल की जांच कर रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई थी, उनका फ़ोन भी जब्त कर लिया गया, सारा अली खान से भी पूछताछ हुई, श्रद्धा से भी हुई, रकुल प्रीत सिंह से भी हुई, और फिर लोगों के ये सवाल उठने लगे थे कि देखो सिर्फ हीरोइंस को ही बुलाया जा रहा है, हीरोज़ तो जैसे कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के जो एक्स एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी घर से, और कहा यह भी जा रहा है कि उनके घर से भी बहुत माल मिला है, माल के साथ गिरफ्तार हुए हैं, और जो एनसीबी पर इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि मुझसे ज़बरदस्ती की जा रही है और मुझसे ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि बड़े बड़े नाम लो, ये करो वो करो, तमाम आरोप लगाए। लेकिन एनसीबी का भी पूछताछ का अपना तरीका होता है और क्षितिज प्रसाद जैसे लोगों के आरोपों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबूतों पर चलते हैं। तो इन्हीं क्षितिज प्रसाद जी ने जो है एनसीबी के सामने सात बड़े लोगों के नाम लिए थे, जिनमें पांच बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और दो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। अब जो खबरें आ रही हैं एनसीबी के सूत्रों से, उसमें ये खबर निकल के आई है कि तीन बड़े स्टार जिनके नाम ए, एस और आर से शुरू होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी एनसीबी समन भेजने वाली है। उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और अगर ये अल्फाबेट्स बाहर आए हैं ए, एस, आर, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एनसीबी की तरफ से छोड़ी गई होगी ये बात ताकि मीडिया में पहुंचे। हालांकि लोग कयास लगा रहे हैं कौन हो सकते हैं ये तीन सुपरस्टार। तो ये जो तीन सुपरस्टार हैं इनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक सुपरस्टार है एस, उसकी उम्र 55 साल है। ए की उम्र जो बहुत बड़ा स्टार नहीं है लेकिन बॉलीवुड में एक अच्छा नाम है, उसकी उम्र 47 साल है। और आर जिसकी उम्र 38 साल है, जो कि बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा है और एक बड़ा स्टार है। तो ये तीन नाम कौन से हैं, इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं। लोग लगातार पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने अपने तर्क लगा रहे हैं कौन हो सकते हैं कौन नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पे वो लोग भी हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इसे डीकोड करने की कोशिश की है। ये मैं दावे से नहीं कह रही हूँ, ना ही किसी तरह की पुष्टि की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये जो ASR की गुत्थी सुलझाई गई है, जो लोग अपनी तरफ से नाम बता रहे हैं, जो हिंट्स दी गई हैं उम्र के हिसाब से, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि सोशल मीडिया पे तीन नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं इस पूरे मामले को लेके, जिनका नाम ड्रग एंगल में आ रहा है और जो कहे जा रहे हैं कि एनसीबी इन तीनों को समन भेजने वाली है, इसमें जो लोगों ने कयास लगाए हैं, लोगों के मुताबिक ए से हो सकते हैं अर्जुन रामपाल, जिनकी उम्र क्योंकि 47 साल है। एस से हो सकते हैं शाहरुख खान, क्योंकि इनकी उम्र 55 साल है। वहीं आर से हो सकते हैं रणबीर कपूर, क्योंकि इनकी उम्र 38 साल है। अब ये तीन सितारे ही लोग बार बार नाम क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे भी वजह दी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ASR हैं इन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ काम किया है, यानी तीनों स्टार दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुके हैं।
अब लोग हैं, बातें तो करेंगे ही, सोशल मीडिया पे तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो लोगों का यही कहना है कि शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर, ये तीन वो सितारे हैं जिनकी उम्र भी उसी हिसाब से है जो बताई जा रही है। और दूसरी बात, इन तीनों ने ही दीपिका पादुकोण के साथ काम किया है। शाहरुख खान के साथ तो दीपिका पादुकोण ने अपना डेब्यू ही किया था ओम शांति ओम, और उसी फिल्म में इनके साथ विलन के रोल में थे अर्जुन रामपाल। वहीं रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण ने कुछ फिल्में की हैं, वो भी सभी को पता है, उनकी फिल्में आई हैं, उनके साथ वो रिलेशनशिप में भी पहले रही थी, तो इस वजह से इन तीनों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन NCB जब इन्हें सम्मन भेजेगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये तीनों सितारे हैं कौन। अब दीपिका पादुकोण का नाम जब सामने आया था तो दीपिका पादुकोण का फ़ोन भी जब्त किया गया था, तो ये भी चेक किया जा रहा है कि ये जो तीन सितारे जिनका नाम ड्रग एंगल में आ रहा है, क्या दीपिका पादुकोण की इनसे भी कोई ड्रग चैट हुई थी। हालांकि दीपिका पादुकोण से पूरी पूछताछ हो चुकी है और उन्होंने अपनी पूछताछ में जो खुलासे किए थे वो सनसनीखेज कम थे और कॉमेडी ज़्यादा थे। क्योंकि दीपिका पादुकोण से जब NCP की टीम ने पूछा था कि माल क्या है, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे बॉलीवुड के कोड वर्ड्स हैं, जिसमें हम माल का मतलब होता है हमारे यहाँ सिगरेट। और जब उनसे पूछा गया था कि ये हैश क्या है, तो वो बोलती थी हैश यानी पतली सिगरेट, वीड यानी मोटी सिगरेट। यानी इतनी कॉमेडी करने की उन्हें ज़रूरत क्या थी जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। यार आप हैश और वीड के कोई कोडवर्ड्स रखते तो समझ में आता, आप सिगरेट के कोडवर्ड हैश और वीड रख रहे हैं, ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। ये अलग बात है कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इनके बयान भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे दीपिका पादुकोण के थे। यानी ये सब की सब पूरी तैयारी के साथ आई थी कि इन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है। अब NCB क्यों उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई, तो ये आपको दीपिका के जवाबों से अंदाज़ा लग गया होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनसे एक और राउंड की पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभी जो तीसरा फेज शुरू होने वाला है बॉलीवुड के लिए, जो शांति अभी आपको लग रही है कि बहुत शांति है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो इस सन्नाटे के बाद तूफान आने वाला है। क्योंकि अब कुछ सुपरस्टार्स हैं जो NCB के दफ्तर में जाकर अपनी सफाइयां पेश करेंगे, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्षितिज प्रसाद ने जो नाम दिए हैं उन नामों के ऊपर पूरी तरह से NCB ने अपनी नज़र रखी हुई है और उनके सारी डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी गई हैं। और यही वजह है कि ड्रग एंगल को लेकर पूरे बॉलीवुड में खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी के मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे ही हाथरस में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, एक लड़की के साथ मारपीट करना, उसकी हत्या का मामला सामने आता है, जिसे पहले गैंगरेप भी कहा जा रहा है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन निर्मम हत्या हुई है और जिन लोगों ने की है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बॉलीवुड का यहाँ पर एक अलग ही रुख देखने को मिलता है। अपने बॉलीवुड में ड्रग एंगल हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, दिशा सालियान की मौत का मामला हो, जो 3 महीने से देश और दुनिया में छाया हुआ था, तब बॉलीवुड के सारे एक्टर्स कोनों में छुपके बैठे हुए थे, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, किसी की उंगलियां नहीं चल रही थी कि कुछ ट्वीट कर दें। लेकिन जैसे ही यह हाथरस का मामला सामने आया, एक के बाद एक अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर यानी जोया अख्तर, फरहान अख्तर, तमाम लोगों के ट्वीट आ गए। अभिषेक बच्चन, जिनकी मम्मी जया बच्चन, लगातार चिल्ला चिल्ला कर जब बॉलीवुड का ड्रग एंगल का मामला निकला था तो राज्यसभा में नाराज होकर बोल रही थी कि बॉलीवुड के लोग बॉलीवुड के खिलाफ बोल रहे हैं, थाली में छेद कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन तब भी नहीं बोले, पूरा बच्चन परिवार चुप था, ड्रग एंगल पे कभी कुछ नहीं बोला, सुशांत की मौत पे कुछ नहीं बोला, दिशा सालियान की तो बात ही छोड़ दीजिए, जबकि वो उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की मैनेजर रह चुकी थी, उसके बाद उनकी मौत पे कुछ नहीं बोले उन्हें। लेकिन हाथरस की घटना जैसे ही हुई वैसे ही उनका ट्विटर पे उनका दर्द निकल के आ गया। उन्होंने लिख दिया दिस मस्ट स्टॉप #HathrasBeingDisgusted। चाहे अभिषेक बच्चन का ट्वीट हो, चाहे अक्षय कुमार का ट्वीट हो, प्रीति जिंटा का ट्वीट हो, अनुष्का शर्मा का, यानी जो बॉलीवुड की एक पूरी कतार लगी हुई है ना, फरहान अख्तर का ट्वीट हो, ये सब लोग जो सुशांत की मौत के मामले में, दिशा सालियान की मौत के मामले में, बॉलीवुड के ड्रग्स एंगल के बारे में बिल्कुल चुप बैठे थे, अब ये एकदम से एक्टिव हो गए हैं। इन्हें शायद ये लगने लगा है कि इस मामले पर हम बोलेंगे तो बॉलीवुड से लोगों का ध्यान हट जाएगा।
इस मामले पे बोलिए, आपको किसी ने नहीं रोका। जिस तरह से ड्रग्स एक सामाजिक बुराई है, जिस तरह से किसी की हत्या कर देना सामाजिक अपराध है, एक बहुत बड़ा अपराध है, जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके किसी सितारे को आगे ना बढ़ने देना एक अपराध है, ठीक उसी तरह हाथरस में भी उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अपराध को लेके जब आप बोलते हैं तो आपका नैरेटिव इतना सिलेक्टिव क्यों होता है? आप उन्हीं मुद्दों पर क्यों बोलते हैं जिसमें आप पर उंगलियां ना उठें बल्कि दूसरों पर उठें? जब बॉलीवुड में कुछ होता है तो ये सितारे ट्वीट क्यों नहीं करते? 3 महीने से जब सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, दिशा सालियान को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं, बॉलीवुड के ड्रग एंगल में ड्रग चैट सामने आ रही हैं, तब इनमें से किसी सितारे ने कभी कुछ ट्वीट नहीं किया, कभी बॉलीवुड के लिए कुछ नहीं बोला, कभी उसके पक्ष में या विपक्ष में सामने नहीं आए। इन सबको सांप क्यों सूंघ जाता है? लेकिन जैसे ही हाथरस जैसा कोई मामला होता है, ये सब के सब अपने बिल से निकल आते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं जैसे देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। पहले आप बॉलीवुड को तो देखिए, वहां क्या गलत हो रहा है। क्या कहते हैं, आवाज जो है ना अपने घर से उठनी चाहिए पहले। तो आप पहले अपने घर में आवाज उठाइए, तब आप जब दूसरों के लिए आवाज उठाएंगे तो लोग सुनेंगे। हाथरस के लिए आप आवाज़ उठाइए, उसमें कोई बुराई नहीं, सबको उठानी चाहिए, हम सबको उठानी चाहिए। लेकिन ये जो बॉलीवुड का डबल स्टैंडर्ड इस मामले में दिखाई देता है, ये लोगों के सामने आपकी पोल खोल देता है। आप लोग कितने बड़े दोगुले हैं, दो मुंह हैं, ये इससे साबित होता है। अब एनसीबी के रडार पे क्योंकि बड़े बड़े सितारे आए हुए हैं, इसलिए आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा। बॉलीवुड के ड्रग एंगल पे कोई बात करने को तैयार नहीं होता। हो सकता है कई चैट्स जो सामने आई हो उनसे बहुत कुछ साबित हो जाए, साबित ना भी हो, लेकिन पूरे देश और दुनिया के सामने ये साबित हो चुका है कि बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल चलता है और किस तरह लोगों को ड्रग के झांसे में लेकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, नए सितारों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अब ये ओपन सीक्रेट है, इसे आप लोग ट्वीट करें चाहे ना करें, ये छुप नहीं सकता है। अब एनसीबी दफ्तर में किन एएसआर को बुलाती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी और उसके बाद बॉलीवुड के बड़े सितारों की कई तरह की पोल खुलने वाली है और फिर देखते हैं कितने ट्वीट्स बॉलीवुड के ये सितारे करते हैं। जैसे मांग हाथरस के लिए कर रहे हैं न्याय की, क्या अपनी खुद की इंडस्ट्री के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।